सिवनी जिले के पंडोल वन परिक्षेत्र अंतर्गत नकटिया जटला बेट के जंगलों में गश्ती के दौरान संदिग्ध आरोपियों ने वन रक्षक पर हमला कर दिया। हमले में वन रक्षक घायल हो गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वन परिक्षेत्र बंडोल के अंतर्गत नकटिया जटलापुर बीट पर गश्ती के दौरान वन रक्षक गुरु प्रसाद जंगला को तीन आरोपी संदिग्ध अवस्था में नजर आए, जिसमें से जावेद नामक आरोपी से वन रक्षक ने जंगल में आने की वजह और कुछ वस्तु आरोपी छुपा रहे थे जिसकी पूछताछ की, तो उस पूछताछ के दौरान आवेश में आकर आरोपी जावेद खान और उसके दो साथियों ने मिलकर वन रक्षक की पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद आरोपी गांव की तरफ भागे। गांव में जैसे ही वन रक्षक पहुंचा, गांव में आरोपी की पिटाई की गई। हालांकि पूरे मामले पर बंडोल पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। मामला ये है कि नकटिया बीट प्रभारी गुरु प्रसाद जंगेला वन रक्षक आज सुबह 6:30 बजे अपने बीट में भ्रमण कर रहा था। उसे शेख वाहिद मुसलमान जो सिवनी भगतवाड़ का रहने वाला है, वो आज अपने चाचा के गांव जटलापुर आया था। वो संदिग्ध अवस्था में जंगल तरफ जाते मिला तो वन रक्षक द्वारा उससे पूछा गया कि कहाँ जा रहे हैं, क्या है तुम्हारे हाथ में। इस बात को सुनकर ये आवेशित हो गया और जबरन में उससे उज्जट करने लगा और उसके साथ मारपीट किया है। रिपोर्ट पर जो है वाहिद खान के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की धाराएं लगाई गई हैं। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे आज न्यायालय में पेश कर रहे हैं। सर, जो अभी गश्ती के दौरान जो मारपीट हुई है, ये क्या है मामला और इसमें विभागीय तौर पर क्या कार्रवाई की? ये हमारा स्टाफ वन रक्षक है नकटिया में श्री गुरु प्रसाद जंगला, सामान्य गश्त होती है उसके लिए निकले थे। जंगल भ्रमण के लिए वन अपराध नियंत्रण के लिए भ्रमण किया जाता है बरसात में, तो ये अकेले थे। अपने कक्ष क्रमांक 462 है हमारा, उसके पास उनको संदिग्ध रूप से ये दिखे जावेद खान और इसके साथ दो लोग और थे। इसको देखकर वो कोई चीज़ छुपाने लगे। इसने पूछा, भाई आप क्या छुपा रहे? तो वो तेजित हो गया और इसने रिएक्शन कर दिया, इनके ऊपर मारपीट कर दी। ये बताया कि गांव ये भागे गांव की तरफ, वहां जाकर भी मारपीट की। हम लोग ने पुलिस अधिकारियों को सूचित किया, डायल 100 पे भी खबर दी। उसके बाद परिचित अधिकारी स्वयं घटना पर गए, घटनास्थल पर, और उस व्यक्ति को पकड़कर थाने ले आए। बंडोल थाने में हम लोग स्वयं पहुँचे। थाना प्रभारी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी वन रक्षक को MLC कराने के लिए ले गए हैं। वैधानिक कार्रवाई उनकी तरफ से जांच वगैरह की जा रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा सहयोग किया जा रहा है। प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। बस यही है। इसमें बस वर्षा ऋतु होने के कारण अतिक्रमण और अवैध कटाई की बहुत संभावना रहती है। स्टाफ सामान्य रूप से गश्त करता रहता है जंगल में, और ये अकेले गश्त में थे, इसलिए उनके द्वारा इस प्रकार का हिम्मत की गई। और इसको हम लोग सोच रणनीति बना रहे हैं किस प्रकार इसको ये कर सकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।